हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गरुड़ पुराण के अनुसार न नहाने वालों को क्या सजा मिलती है। मित्रों, यूं तो स्नान करना या न करना इंसान की अपनी मर्जी होती है, पर हिंदू शास्त्रों में स्नान करने के बारे में कई क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि इंसान को कब स्नान करना चाहिए और कैसे स्नान करना चाहिए, या फिर किस समय स्नान करने से मनुष्य अपना धन वैभव और ऐश्वर्य सब कुछ गवा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार स्नान करने से मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है और स्नान न करने वाले लोगों को जीवन भर कैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करता है उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल में स्नान करने से मनुष्य को लौकिक और परलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। तदुपरांत शौच आदि नियत क्रियाओं से परे होकर बाद में ही स्नान करना चाहिए। प्रातः काल में स्नान करने से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाता है, इसीलिए यत्नपूर्वक प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में परमपिता ब्रह्मा जी ने गरुड़ को बताया है कि जब रात को कोई भी प्राणी शांति से आराम कर रहा होता है तब उसके मुख से निरंतर लाल अपवित्र मल गिरते रहते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसीलिए प्रातः काल में धार्मिक कार्यों को करने से पहले स्नान करके इस अपवित्रता को धो देना चाहिए। इसीलिए इंसान को शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करे और उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक कार्य बिना स्नान किए करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है और उससे विपरीत बिना स्नान किए धार्मिक कार्य करने वाला प्राणी पापी माना गया है। ब्रह्मा जी ने गरुड़ पुराण में बताया है कि बिना स्नान किए अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने की शुरुआत करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उसके आसपास हमेशा ही नकारात्मक विचार घेरा बनाए रखते हैं और धर्मशास्त्रों के अनुसार नकारात्मक शक्तियाँ वहीं वास करती है जहाँ अपवित्रता का वास होता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता वो अनजाने में ही बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, त्रुटि जैसी ताकतों को अनिष्ट कार्यों की शक्ति में बताया गया है, जिसमें कालकर्णी विघ्न डालने वाली शक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति रोज स्नान नहीं करता उसके कार्य में हमेशा ही बाधाएं आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके उपरांत अलक्ष्मी का भी जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी को माता लक्ष्मी की बहन बताया गया है, परंतु देवी लक्ष्मी से विपरीत अलक्ष्मी को निर्धनता की देवी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान नहीं करता वह कभी भी धनवान नहीं बन सकता। स्नान न करने वाले व्यक्ति के हाथ अक्सर असफलता ही लगती है और वह यश की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। स्नान न करने वाला व्यक्ति निजी जीवन में भी कलेश से घिरा रहता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि स्नान करने से इंसान दुर्विचार और दुर्विघ्न होने वाले पापों से भी धुल जाता है और अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्त होकर करता है। साथ ही यह भी बता दे कि स्नान करने का सही तरीका है कि सबसे पहले पैरों पर पानी डाल दे और बाद में ही कंधों और सिर पर भी पानी डालना चाहिए। यही कारण है कि पौराणिक काल में इंसान नदी या तालाब में नहाने जाया करते थे, क्योंकि जिससे पहले हमारे पांव भीगते हैं और बाद में हमारा सर या कंधा भीगता है। यह तरीका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से मान्य है। स्नान करने के कई प्रकार गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। इनमें से पहला कायिक स्नान। बीमार व्यक्ति ज्यादातर ऐसे स्नान करते हैं जिसमें भीगे हुए कपड़े से शरीर को पोछा जाता है। वारुण स्नान, जो पानी में डुबकी लगाकर किया जाता है। दिव्य स्नान, धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किया गया स्नान दिव्य स्नान है। वायव्य स्नान, जिसे पुराणों में बहुत ही पवित्र माना गया है, उसमें गाय की धूल लगाकर स्नान किया जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि वायव्य स्नान मोक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग्नेय स्नान, जिसमें भस्म लगाकर स्नान किया जाता है। मंत्र स्नान, मंत्रों को पढ़कर स्नान किया जाता है और बाद में पानी को छिड़का जाता है। स्नान से पहले दातुन पूर्व या उत्तर दिशा में किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।